एक छोटा सा गांव में राजू अपनी छोटी बहन रिमी और विधवा माँ के साथ बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहा था। राजू की उम्र लगभग 13 साल का था और रिमी 8 साल का। उसकी माँ मजदूरी करके जैसे तैसे तीनों का पेट पालती थी। दिन भर बहुत मेहनत करने के वजह से उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी, जिसकी वजह से तीनों को ठीक से खाना ही नसीब नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ क्या हुआ, आज भी काम पर नहीं जाओगी? फिर से क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। अरे बेटा, तू दवाई कहाँ से लेकर आएगा? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। घर के पास वाले दवाई की दुकान से उधार में लेकर आऊंगा, जब पैसा मिलेगा तब दे देंगे। तू बहुत नादान है, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को कोई उधार नहीं देगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ की तबीयत खराब रहने के कारण रिमी को घर का सारा काम करना पड़ता था। राजू भी छोटी बहन की काम में हाथ बटाता था। एक दिन फिर से उसकी माँ की तबीयत एकदम से खराब हो गई। वो अचानक खून की उल्टी करने लगी। ये देखकर रिमी बहुत डर गई और रोते रोते राजू को बुलाने लगी। भैया जल्दी आके देखो ना, माँ को क्या हो गया है, जल्दी आओ। माँ तुम्हें ये क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास और ज्यादा दिन है। मेरी बात ध्यान से सुन, तू अपना और छोटी बहन का ध्यान रखना। ऐसा मत बोलो माँ, तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा। अगले दिन सुबह रिमी अपनी माँ को बहुत बुलाती है, लेकिन उसकी माँ नहीं जगती। तब वो पड़ोसी को बुला कर लाते हैं। पास के चाचा आकर देखा कि राजू की माँ मर गई है। बेटा तेरी माँ तुम दोनों को छोड़कर चली गई, अब तेरी बहन का ध्यान तुझे ही रखना होगा। अब इन भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं रहा, वो दोनों अनाथ हो गए। कुछ दिनों तक आसपास के लोग दोनों को खाना दे दिया करता था, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। तब राजू भूख के मारे भीख मांगने लगा, पर गांव में कोई उसे भीख भी नहीं देता था। सब लोग उन दो मासूम बच्चों को भगा दिया करता था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख के मारे रिमी रोने लगी। भैया बहुत जोरों की भूख लगी है, अब तो सहन नहीं होता है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रो मत बहन, मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम कैसे खाना लाओगे भैया, कोई भी हमें खाना नहीं देगा, हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। रिमी की बात सुनकर राजू भी सोच में पड़ गया। अब वो खाना कहाँ से लेकर आएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। सुन रिमी, मैं जंगल से कुछ फल लेकर आता हूँ, तू यहीं रुकना। पर जंगल में अकेला जाना ठीक नहीं होगा, कोई जानवर आ गया तो? जंगल नहीं जाएंगे तो ऐसे ही भूख के कारण मर जाएंगे, इससे अच्छा तो जानवर के हाथ मरे। राजू जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में बहुत सारे फल का पेड़ देखकर राजू बहुत खुश हो गया। फल तोड़कर वो जब घर लौट रहा था, तब उसको रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ दिखता है। करीब आकर राजू ने देखा कि वो एक पंछी है। अरे ये तो एक पंछी है, इसके पर तो बुरी तरह से जख्मी है, बेचारी तो उड़ ही नहीं पा रही है। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ घर लेकर जाता हूँ, रिमी का मन भी थोड़ा बहल जाएगा। इधर घर के बाहर रिमी अपने भैया का इंतजार कर रही थी। राजू को आते देख वो बहुत खुश हो जाती है। भैया तुम आ गए, अरे वाह तुम्हें इतना सारा फल मिला है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है? पंछी, पंछी क्यों पकड़ लाए हो? ये पंछी जख्मी है, इसलिए मैंने सोचा इसकी थोड़ी मदद कर दूं, ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा किया जो तुमने इसे अपने साथ ले आए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, पर इसको खिलाएंगे क्या? शायद ये फल और कीड़े खाती है, मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगा, तू बस इसका ध्यान रखना।
फिर राजू एक औषधि पेड़ का कुछ पत्ता पीसकर उसे पंछी के पर में लगाकर एक कपड़े का टुकड़ा बांध देता है। राजू हर रोज उस पंछी के लिए जंगल से फल और कीड़े लेकर आता था। रिमी भी उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे पंछी के पर ठीक होने लगी, वो थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगी। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब एक दिन राजू ने उसकी बहन से कहा, देख रिमी, ये पंछी तो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, कल ही मैं इसको उसके घर जंगल में छोड़ कर आऊंगा। नहीं भैया, इसे हमारे साथ ही रहने दो ना। इसे छोड़ देने से मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं इसकी देखभाल करूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, जंगल तो इसका असली घर है, ये वहाँ अपने दोस्तों से मिलेगी तो बहुत सारा खाना खाएगी, इसका भी मन अच्छा हो जाएगा, पंछी तो होते ही हैं उड़ने के लिए। अगले दिन सुबह राजू उस पंछी को जंगल में छोड़ने के लिए ले जाता है। उसका भी मन नहीं था पंछी को छोड़ने का। वो पंछी को जंगल के अंदर एक चोटी के ऊपर रखकर उसे कहता है, अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तोड़ सकती है, जा अपने दोस्तों के पास, तू बहुत प्यारी है, तुझे छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, पर तुझे अपने पास भी तो नहीं रख सकता ना। ये बोलकर राजू पीछे मुड़कर घर की तरफ आने वाला ही होता है कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, राजू। राजू जैसे ही पीछे देखता है वो एकदम से चौंक गया। उसने देखा बड़े बड़े दो पंख वाली एक खूबसूरत लड़की हाथ में एक छड़ी लेकर वहाँ पर खड़ी है। उसे देख राजू की आँख खुली के खुली रह गया। राजू, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? नहीं तो, तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे दोस्त, तुम ही तो मुझे अभी अभी यहाँ छोड़ कर गए। इतने दिनों तक तुम दोनों ने मिलकर मेरी सेवा करके स्वस्थ किया है मुझे। राजू को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। इतना क्या सोच रहे हो, मैं ही वो पंछी हूँ जिसको तुम दोनों ने मिलकर ठीक किया है। मैं एक परी हूँ, परी महाराज के श्राप से मैं एक पंछी बन गई थी, और इस जंगल में एक चील ने मुझे घायल कर दिया था। तुम दोनों के दिल और नीयत बहुत साफ है, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर परी जादू से एक पेंसिल लेकर आती है। ये लो, एक जादुई पेंसिल। जादुई पेंसिल? इस पेंसिल का मैं क्या करूँगा, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। इस पेंसिल से तुम जो भी तस्वीर बनाओगे वो सच हो जाएगा, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर इस पेंसिल की मदद से तुमने कोई बुरा काम किया तो ये पेंसिल मेरे पास लौट कर चला आएगा। फिर उस पेंसिल को लेकर राजू घर आकर रिमी को सब कुछ बताता है। ये सुनकर रिमी हैरान हो जाती है। परी की बात सच है या नहीं ये देखने के लिए रिमी उस पेंसिल से एक फटे पुराने कागज पर मिठाई की तस्वीर बनाती है। तस्वीर पूरी बनते ही वो सच में मिठाई बन जाता है। ये देखकर दोनों भाई बहन खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, परी ने तो सही बोला था, ये पेंसिल तो सच में जादुई है, अब इसे मैं हमारे लिए अच्छा खाना, एक अच्छा घर और बहुत कुछ बनाऊंगा। फिर राजू और रिनी दोनों पहले पेट भरकर खाना खाते हैं, फिर राजू अच्छा सा एक घर बनाता है और उस पेंसिल की मदद से मिठाई की एक दुकान खोलता है। राजू रिनी को स्कूल में भी दाखिल करवाता है। तब से वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दूर एक समंदर के नीचे जलपरियों की एक बहुत बड़ी दुनिया थी, जहां पर सभी जलपरियां मिलजुल कर रहा करती थी, और वो सब अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। वहां पर सब जलपरियों से अलग एक जलपरी रहती थी जिसका नाम अलीना था।
जिसे इंसानों की दुनिया बहुत पसंद थी। उसकी इच्छा थी कि वो एक बार इंसानों की दुनिया देखने जाएगी। एक दिन जब सारी जलपरियां आपस में बात कर रहे थे, तब अलीना अपने दोस्तों से कहती है, मुझे ना समुंदर के बाहर की दुनिया बहुत पसंद है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ चलना पसंद करोगी? ये क्या कह रही हो तुम अलीना? नहीं नहीं, वहाँ की दुनिया बहुत खतरनाक होते हैं। और वैसे भी तुम वहाँ जाओगे कैसे? उस दुनिया में जाने के लिए पैर चाहिए। वो जमीन के ऊपर की दुनिया है और हम लोगों के पास तो पूंछ है, इससे तुम चल नहीं पाओगी ना। मुझे तो जाना है और बाहर की दुनिया देखनी है, चाहे जैसे भी हो। कुछ दिनों के बाद अलीना एक दिन समंदर के बीच एक चट्टान के ऊपर बैठी हुई थी। वो जहाँ बैठी थी वहाँ से दूर समंदर के किनारे बसा एक बड़ा शहर दिखाई दे रहा था। अलीना उस शहर की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, काश मैं उस शहर में जाकर घूम पाती, पता नहीं मेरी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी। समंदर में एक बड़ी जलपरी रहती थी जिसके पास जादुई ताकत थी, और वो जादुई ताकत वाली दवाई भी बना सकती थी। अलीना जब ये सब बात सोच ही रही थी, तब वो बड़ी जलपरी समंदर के अंदर बैठकर ही अलीना की मन की बात सुन लेती है। तो वो बड़ी जलपरी अचानक से अलीना के सामने आ जाती है। अलीना उसे देख थोड़ी घबरा कर कहती है, आप तो वही बड़ी जलपरी है ना, जो जादुई दवाइयाँ बनाती है, आप यहाँ पर कैसे? हाँ, मैं तुम्हारी मन की बात सुन ली है, बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या आप मुझे बता सकती हो कि इंसानों की तरह पैर कैसे होंगे? मुझे शहर जाना है, इंसानों की दुनिया देखनी है। अगर तुम वहाँ जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें जादू से बना एक दवाई देती हूँ। समंदर से बाहर निकलकर तुम जैसे ही इसे पूरा पी जाओगी, तुरंत तुम्हारी ये पूंछ पैर में बदल जाएगी, और जब तक तुम समंदर में नहीं लौटोगी तब तक वो पैर ही बना रहेगा। ये कहकर वो बड़ी पड़ी हाथ बढ़ाकर जादू से एक दवाई का छोटा सा बोतल लाती है और अलीना को दे देती है। शुक्रिया आपका, आपकी वजह से मेरी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये दवाई जलपरियों के जीवन में एक ही बार असर करता है। तुम समंदर में लौट आने के बाद फिर से कभी उस दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी। ये कहकर बड़ी जलपरी वहाँ से चली जाती है। अब आएगा मजा, यहाँ पानी के अंदर तो शाम होते ही सब सो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इंसान देर रात तक मस्ती करते हैं, तो एक शाम मैं वहाँ जाऊँगी। इसके कुछ दिन बाद एक शाम जब सारी जलपरियाँ सो रही थी, तब अलीना सबसे छुपकर शहर की तरफ चली जाती है। वो शहर से थोड़ा दूर जाकर पानी से बाहर निकलती है। फिर वो दवाई पीते ही अलीना के पूंछ की जगह इंसानों के पैर आ जाते हैं। शहर में दाखिल होने से पहले अलीना वहाँ के किसी के कपड़े चुरा कर पहन लेती है। अच्छा हुआ मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर अलीना शहर के अंदर चली गई। इतनी रोशनी, इतनी चमक देखकर अलीना को बहुत मजा आ रहा था। चलते चलते उसे बहुत जोरों की भूख लग जाती है। उस समय वो एक पिज्जा की दुकान के सामने से गुजर रही थी। दुकान के अंदर से पिज्जा की सुगंध बाहर तक आ रही थी। उसे सूंघकर अलीना वहीं रुक गई और कांच के दरवाजे से अंदर झांकने लगी। अंदर बहुत लोग पिज्जा खा रहे थे। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ तो बहुत सारे इंसान कुछ न कुछ खा रहे हैं। अंदर जाके देखती हूँ वो सब क्या खा रहे हैं। अंदर बहुत लोग पिज्जा खा रहे थे। अंदर जाकर इतने सारे पिज्जा और पेस्ट्रीज देखकर और उन सब खाने की गंध से अलीना के मुंह में पानी आ गई।
तो वो एक पिज्जा दिखाकर वहाँ के एक लड़के से कहती है, ये क्या है? मुझे ये खाना है, मुझे ये दे दो। ये पिज्जा है, आपको चाहिए? आपको इसके लिए 200 रुपए देने होंगे। 200 रुपए? वो क्या होता है? वो तो मेरे पास नहीं है। तब अलीना गौर से सबको देखती है। उनमें से कुछ लोग रुपए के साथ कुछ पैसे भी दे रहे थे। उन पैसों को देखकर अलीना को याद आती है कि एक बार समंदर के नीचे बहुत सारा ऐसे गोल गोल चीज उसको मिला था। उसने वो सब अपनी जगह पर रख दिया था। सभी जलपरियों के पास ये शक्ति होते है कि वो कहीं भी उसकी खुद की कोई चीज ला सकती है। दुकान में उस पैसों को देखकर वो जादू से उसकी वो गोल गोल चीज लाकर उस लड़के को देकर कहती है, मेरे पास ये है, इससे होगा? ये क्या है? मुझे तो लगता है ये सोने का सिक्का है, मुझे ले लेना चाहिए। मैं इसके बदले आपको एक नहीं बल्कि 5 पिज्जा दे सकता हूँ। ठीक है, जो भी दे सकते हैं मुझे दे दीजिए। अलीना एक एक करके 5 पिज्जा ही खा लेती है। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजा आया। वो जब दुकान से निकलती है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो फटे पुराने कपड़े पहनकर वहाँ भीख मांग रही थी और रो रही थी। अलीना उस लड़की के पास जाती है। तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और कोई मुझे भीख भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चंदा हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माँ मर गई है, बाबा है, पूरे दिन नशा करके रास्ते पर पड़ा रहता है, खाने को कुछ नहीं देते हैं। ये सब सुनकर अलीना को बहुत दुख होता है, तो वो कहती है, चलो मेरे साथ। तब अलीना उसे अपने साथ उस दुकान के अंदर लेकर जाती है। आप उसे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ऐसे गंदे बच्चे का यहाँ आना मना है। तो क्या हुआ, उसे भूख लगी है, आप उसे खाने को दे दीजिए। अगर ऐसे भिखारियों को हम अपने शॉप में आने दिए तो दूसरे लोग आना ही बंद कर देंगे। पर मैं इसके खाने के पैसे दे रही हूँ ना, आप इसे खाने को दे। अलीना फिर से जादू से कुछ सिक्का उस लड़के को देती है और पिज्जा लेकर चंदा को दे देती है। चंदा पिज्जा खाने के बाद कहती है, शुक्रिया आपका, आपके वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे पिज्जा खाने को मिला। तुम्हें खिलाकर मुझे भी अच्छा लगा, अब चलो मेरे साथ। उसके बाद अलीना उसे एक कपड़े के दुकान में ले गई और कुछ नए कपड़े खरीद कर दी। कपड़े पहनकर चंदा बहुत ही प्यारी लग रही थी। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आपने मेरे लिए जितना किया है उतना आजकल कोई नहीं करता है, आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। अब बहुत देर हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर चंदा मायूस हो गई। उसे ऐसा देख अलीना जादू से कुछ सिक्का लाकर चंदा को देकर कहती है, ये कुछ सिक्के रख लो, ये बहुत कीमती है, सोच समझ कर खर्च करना, मैं चलती हूँ। आप जा रहे हो? फिर कब मिलेंगे? मैं किसी दूसरी दुनिया में रहती हूँ, फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं आऊंगी। कभी नहीं आएंगे? आप मुझे बहुत याद आओगे। तुम भी मुझे बहुत याद आओगी। इसके बाद अलीना चंदा को अलविदा कहकर समंदर की तरफ जाने लगी। चंदा भी दुखी मन से अलीना को जाते हुए देख रही थी। अलीना समंदर के सामने खड़ी होकर सोचने लगी, अब समंदर में वापस जाने का वक्त आ चुका है, मगर मैंने यहाँ पर काफी समय गुजारा, आज की शाम मैं कभी नहीं भूल सकती। अलीना समंदर में छलांग लगाते ही उसकी पूंछ वापस आ जाती है। तब वो समंदर के गहराई में अपने घर में जाकर इन सब यादों को समेट कर सो जाती है।